मैटर का मतलब हर वो चीज जिसको आप देख सकते हो महसूस कर सकते हो टच कर सकते हो या फिर टेस्ट कर सकते हो उसे ही आप क्या कहेंगे मैटर कहेंगे जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे किसमें लिक्विड्स में, में. यानी कि पार्टिकल्स में क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे क्या होगा बहुत सारी एनर्जी मिल रही है सभी पार्टिकल्स को इक्वल एनर्जी मिल रही है इक्वल एनर्जी मिल रही है तो सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर उठेंगे एक साथ ऊपर उठेंगे बेटा तो उसको हम बोलेंगे बल्कनो में ना. हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज एबा अख्तर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी सीरीज लेकर आई हूँ वो सीरीज क्या है उस सीरीज का नाम है फास्ट ट्रैक सीरीज यस तो आज हम इस फास्ट ट्रैक सीरीज में करने क्या वाले हैं फास्ट ट्रैक सीरीज में मैं आपको क्लास नाइन्थ के एन के टॉपिक्स को कवर करवाऊंगी यानी कि हम वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग जो कि क्लास नाइन्थ का फर्स्ट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है क्लास नाइन्थ का चलो स्टार्ट करते हैं अब देखो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि अब अगर इसका हम मीनिंग देखें मैटर इन आवर सराउंडिंग तो हमारे आसपास की चीज़ों को इसमें हमें ऑब्जर्व करना है यानी कि सबसे पहला टॉपिक जो आया ना यहाँ पे हमारा वो क्या है मैटर है अब मैटर क्या होता है मैटर का मतलब हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो महसूस कर सकते हो टच कर सकते हो या फिर टेस्ट कर सकते हो उसे ही आप क्या कहेंगे मैटर कहेंगे जैसे कि अगर आप अपनी चेयर पर बैठकर मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपके अराउंड रखी हुई सारी चीज़ें मैटर है जैसे कि अगर आपके आसपास कोई बेड रखा हुआ है तो वो भी मैटर है कोई अलमीरा रखी हुई है वो भी मैटर है अगर वहाँ पे कोई चेयर है कोई स्टूल है वो भी मैटर है वो भी प्लास्टिक का बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल बना हुआ है ठीक है ये बोर्ड जिसपे हम पढ़ रहे हैं ये भी मैटर है आप जिस पेन से लिख रहे हो वो भी मैटर है जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो भी मैटर है यानी कि हर वो चीज जो आपके अराउंड है अब आप एब्जर्व करो कि आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं और मुझे कमेंट में बताओ कि आपके अराउंड कितने सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं चलो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि मैम हमारे अराउंड तो ये ये चीजें रखी हुई हैं और ये सब भी मैटर है तो चलो अब डेफिनेशन देख लेते हैं मैटर की Anything which occupies space स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड यानी कि मैटर हर एक वो चीज़ हो सकती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो एक छोटा सा अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का छोटा सा पार्टिकल लेंगे जैसे आपके पास चौक है लेट सपोज कि आपके पास कोई चौक है ठीक है अब चौक पे आपने क्या किया फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे आपने फोर्स फोर्सेस लगाए फोर्स अप्लाई लगा किया तो क्या होगा चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे है ना यानी कि वो और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे फिर और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल बहुत छोटा हो जाएगा इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे राइट तो उसे आप क्या कहोगे मैटर कहोगे यानी कि वो जो छोटा सा पार्टिकल है जो आपको आई से नहीं दिख रहा है उसका भी मास है वो भी एग्जिस्ट करता है एनवायरमेंट में दैट मीन्स उसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है चाहे वो इतनी सी ही स्पेस ऑक्युपाई करे बट करेगा ठीक है नेक्स्ट हमने क्या लिखा है कि वी कैन आईदर सी इट यानी कि हम सब्सटेंसेस को देख सकते हैं टच इट फील कर सकते हैं टच कर सकते हैं और हम टेस्ट भी कर सकते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि किसी मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं क्या टेन की पावर सिक्स में बोल सकती हूँ तो तो कि कि बट कितने टाइनी होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताओ ठीक है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मैटर के वैसे तो मैं आपको, मैं आपको मैं मैटर के एग्जांपल्स बता चुकी हूँ बट फिर भी एक बार देख लेते हैं एयर तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल आया है एयर अब एयर यहाँ पे हमारे पास एयर प्रेजेंट है, बट क्या हमें एयर दिख रही है नहीं दिख रही है लेकिन एयर को आप फील कर सकते हो कर सकते हो ना है ना यानी कि जब आप सुबह सोकर उठते हो और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो आपको कितनी फ्रेश एयर फील होती है होती है ना तो इसका मतलब Air भी एक है और वो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है राइट नेक्स्ट है हमारे right? पास वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज करते हैं वो किससे मिलकर बना हुआ है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है जिसमें एच टू ओ में अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो H2O इसका फार्मूला होता है दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है तो इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल ठीक है तो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है छोटे-छोटे से पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है छोटे-छोटे से एटम से मिलकर बना हुआ है हम कह सकते हैं ठीक है शुगर का एक छोटा सा दाना शुगर का एक स्क्वायर पीस दिखाई देता है आपको छोटा सा है ना उस छोटे से पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ छोटे-छोटे से पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे है ना इसी तरीके से अब सैंड का कोई एक छोटा सा दाना ले लीजिए उस छोटे से दाने का भी कुछ ना कुछ मास है वो भी स्पेस ऑक्यूपाइ कर रहा है कर रहा है ना तो इसका मतलब वो भी क्या है मैटर है आपके अराउंड पैन रखा हुआ है बॉक्स रखा हुआ है या फिर आपने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को रखा हुआ है ऑक्सीजन गैस को रखा हुआ है आपने देखा होगा ना जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे है ना तो उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरी होती है जिसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को कंप्रेस करके भर दिया जाता है, है ना तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स उस सिलेंडर में प्रेजेंट है और वो भी क्या है बेटा मैटर है तो आई होप आपको यहाँ तक मैटर क्लियर हो गया होगा और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बेटा कि जो पार्टिकल है मैटर के वो कितने छोटे हो सकते हैं है ना तो इतने छोटे होते हैं बेटा कि आप उनको नेकेड से नहीं देख सकते हो अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से देखो अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देखना चाहो तब भी आपको वो दिखाई नहीं देंगे वो इतने छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है तो आप एग्जाम्पल में बुक्स भी लिख सकते हो कार भी लिख सकते हो बॉल भी लिख सकते हो और आपके अराउंड जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो सब आप मुझे कमेंट में बताओ ठीक है तो आई होप आपको मैटर क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ होते हैं। अब वही प्रॉपर्टीज क्या है कैरेक्टरस्टिक्स क्या है चलिए जल्दी से जान लेते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि आपके पास जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो हो सकता है कि सॉलिड स्टेट में हो हो सकता है कि लिक्विड स्टेट में हो और हो सकता है कि गैसियस स्टेट में हो तीनों ही स्टेट एग्जिस्ट करती हैं तीनों में ही पार्टिकल हो सकता है और जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है ठीक है और ये जो स्पेस इस है इसे हम क्या कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं और अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे कि सॉलिड लिक्विड गैस में ऑर्डर बताओ कि इंटर पार्टिकल स्पेस का ऑर्डर क्या होगा किस स्टेट में पार्टिकल्स में ज्यादा स्पेस होगा किस में कम स्पेस होगा तो चलिए ऑर्डर देख लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस ओके इंटर पार्टिकल स्पेस देख रहे हैं हम यहाँ पे जो भी मेटल्स आपको दिए गए हैं सॉलिड लिक्विड और गैस में अब सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं क्लोज होते हैं तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होगा हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं ठीक है और लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ऑर्डर लिख के दो पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है उसके बीच में तो आप कैसे लिखोगे सॉलिड देन लिक्विड देन गैस यानी कि सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होता है गैसेस में होता है ओके अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं हम उसको इंटर मोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लियर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे हम कहते हैं अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा चलो फटाफट से मुझे आंसर करो कि सबसे ज्यादा फोर्स सॉलिड में लगेगा या फिर गैसेस के पार्टिकल्स में लगेगा या फिर लिक्विड्स के पार्टिकल्स में लगेगा क्या है आपका आंसर फटाफट से आंसर करो तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ इसका आंसर है बेटा कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं क्लोज होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और स्पेस कम होता है ठीक है तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले इसके लिए तो आप कैसे लिखोगे तो आप लिखना गैसेस देन लिक्विड्स और देन सॉलिड्स यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है गैसेस में और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है सॉलिड्स में चलो आगे मूव करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग चाहे वो सॉलिड्स हो चाहे वो लिक्विड्स हो और चाहे वो गैसियस सब्सटेंस के पार्टिकल्स हो चाहे वो गैस हो है ना सब में ही क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो Move करते हैं अब आप बोलोगे कि मैम हमारे पास कोई एक आयरन का पीस है चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे सॉलिड का ठीक है सॉलिड का मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे ये यह मेरे पास आयरन का पीस है ठीक है ठीक है ये आयरन का पीस है अब इस आयरन के पीस में जो पार्टिकल्स लग, रखे हुए हैं या लगे हुए हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है इस तरीके से बिल्कुल क्लोज है इस तरीके से ठीक है तो आपको क्या इनके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है आप बोलोगे नहीं मैम बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इनके बीच में तो ये मूव कैसे करेंगे है ना आप तो बोल रहे हो प्रॉपर्टी में कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते ही रहते करते ही रहते है ना तो फिर क्या मैं गलत बोल रही हूँ नहीं मैं गलत नहीं बोल रही हूँ बेटा देखो मैं मानती हूँ कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है लेकिन वो अपनी पोजीशन पे तो वाइब्रेट कर सकते हैं कर सकते हैं ना यानी कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते लेकिन अपनी पोजीशन पे तो वो वाइब्रेट कर सकते हैं है ना तो सिर्फ सॉलिड्स के केस में ऐसा होता है कि सॉलिड क्योंकि फ्लूइड नहीं है वो बहता नहीं है इसलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही पोजिशन पर वाइब्रेट करते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड्स की तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक ये कोई लिक्विड है ठीक है हमने यहाँ पे हनी ले लिया ठीक है और हनी के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं हनी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है लेकिन फिर भी वो मूव करता है ठीक है तो हनी एक फ्लूड है उसके बाद गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल ही फ्री होते हैं मूव करने के लिए इस तरीके से तो गैसेस के पार्टिकल्स में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी 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 में में ना के बराबर क्योंकि ही 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 नहीं होगा, स्पेस ही नहीं होगा होगा तो वो अपनी ही पे करेंगे चलो I hope आपको matter की सारे characteristics समझ में आ गए होंगे एक और characteristics है जिसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं चलो नेक्स्ट है particles of matter are very tiny in size. जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कैसे आप बताओगे तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं के एम एन ओ फोर जिसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैगनेट इंटू वॉटर टू वाटर यानी कि आपको क्या करना है पानी में इसको डिजॉल्व करना है ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे मैं कोई कंटेनर ले लेती हूँ इस तरीके से दो तीन कंटेनर हम ले लेते हैं तीन कंटेनर ले लेते हैं हम यहाँ पे ठीक है क्लियर ये हमारा कंटेनर है आप इसको बीकर भी बोल सकते हैं लाइक दिस ठीक है ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं अब कोई भी कलर ले लीजिए ठीक है आप पर्पल कलर यूज़ कर लीजिए अगर आपके पास के मनो फोर नहीं है तो आप पर्पल कलर ले लीजिए और तीन ग्लासेस रख दीजिए इस तरीके से कांच के आपके घर में होंगे है ना तो आप उनको इस तरीके से अरेंज कर दीजिए अब हम इनमें पानी भरेंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने भर दिया वाटर ठीक है और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है ऑब्वियसली अभी-अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस होता है ठीक है तो अब जैसे ही आप इसमें KMnO4 ऐड करोगे तो क्या होगा ठीक है अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम KMnO4 को ऐड कर रहे हैं तो अब इसके जो पार्टिकल्स होंगे छोटे-छोटे से पार्टिकल्स ये यह यहाँ पे जाकर इसमें डिजोल्व होने लग जाएंगे यानी कि ये इसमें इंटरमिक्स हो जाएंगे है ना KMnO4 के पार्टिकल्स वाटर में जाके क्या हो जाएंगे इंटरमिक्स हो जाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा पहले ये ट्रांसपेरेंट था वाटर कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट के बाद जब आपने उसमें KMnO4 ऐड कर दिया तो उसका कलर कैसा हो जाएगा पर्पल वाटर यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा आप देख आ, यहाँ पे जब डिजॉल्व करोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा पर्पल हो जाएगा ठीक है ट्रांसपेरेंट से से पर्पल हो जाएगा अब आप यहाँ पे फिर से यही एक्सपेरिमेंट करो दूसरे ग्लास में भी आप क्या करोगे इस तरीके से यहाँ पे वाटर ले लोगे लेकिन अब आपको ये वाला कैमिनोफोल इसमें ऐड नहीं करना आपको यहाँ पे वाटर कितना लेना था पहले यहाँ पे वाटर आपको 100 एम लेना था और यहाँ पे हमने सिर्फ 90 एम वाटर लिया है और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सिर्फ 90 एम वाटर को ही रखेंगे इस तरीके से ठीक है एम एल वाटर हमने इन दो बीकर में लिया है जो फर्स्ट वाला बीकर था उसमें हमने 100 एम एल वाटर लिया था जो सेकेंड वाला बीकर है उसमें हमने 90 लिया है जो थर्ड वाला बीकर है उसमें भी हमने 90 एम एल वाटर लिया ठीक है लेकिन अब मैं क्या करूंगी इसमें से एक स्पून ले लेते ले हैं हम यहाँ पे और इस स्पून में हमारे पास क्या है ये वाला वाटर है जो कि पर्पल कलर का है ठीक है तो यहां से मैंने ये वाला वाटर लिया इसमें और इस वाले वाटर को मैंने इसमें ऐड कर दिया ठीक है तो अब क्या होगा जैसे ही आप इस वाले वाटर को इसमें ऐड करोगे तो ये जो केमेनो फोर के पार्टिकल्स थे ये यहाँ पे अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही ये इस 90 ml में इंटरमिक्स होंगे तो फिर से आपको यहाँ पे कलर शो होगा हालांकि फर्स्ट वाली पोजीशन से थोड़ा कम कलर शो आपको दिखेगा लेकिन कलर तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा यानी कि आपको यहाँ पे कैसा कलर मिल जाएगा लाइट पर्पल कलर मिल जाएगा कैसा कलर मिल जाएगा लाइट पर्पल कलर मिल जाएगा ठीक है अब तो यहां पे आपने क्या किया टेन एम ले लिया ठीक है आपने के ओ फोर को ले लिया ठीक है ये आपने कहां से लिया था यहां से लिया था फर्स्ट वाले बीकर से अब फिर से आप क्या करोगे इसमें से टेन एम निकाल के इसमें ऐड कर दोगे ठीक है तो यहाँ पे भी ये पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि जैसे जैसे आप इसमें से ऐड करते जा रहे हो केमिनो फोर के सॉल्यूशन को दूसरे बीकर में जिसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था उसमें भी कलर आ चुका है यानी कि उसका कलर भी अब कैसा हो जाएगा बहुत लाइट सा कलर आएगा लेकिन आएगा ठीक है तो यहाँ पे भी आपको कैसा कलर दिखेगा वेरी लाइट कलर दिखेगा वेरी लाइट पर्पल कलर कैसा कलर दिखेगा बहुत लाइट सा पर्पल कलर आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है क्लियर तो आई होप अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैमन और फोर के जो पार्टिकल्स थे वो कितने छोटे छोटे थे और ट्रांसपेरेंट वाटर लेने पर भी और इसमें से सिर्फ टेन एम निकालने पर भी ये इसमें ईजिली से मिक्स हो गए इंटरमिक्स हो गए डिफ्यूज हो गए है ना तो ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का चलो आगे बढ़ते हैं आई होप आपको कैरेक्टरस्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे अब अगर मैं बात करूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की तो वैसे तो यहाँ पे तीन स्टेट ऑलरेडी लिखी हुई है सॉलिड लिक्विड और गैस तो आपके अकॉर्डिंग कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की चलो फटाफट से मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग कितनी स्टेट्स होनी चाहिए मैटर की सिर्फ तीन ही होनी चाहिए चार होनी चाहिए या पांच होनी चाहिए कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की चलो फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर करो कि हाँ मैम इतनी स्टेट्स होती हैं तो आई थिंक सबका आंसर सही होगा आई होप सो ठीक है अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ मैटर की तो बेटा मैटर की पाँच स्टेट होती है कितनी स्टेट होती है मैटर की पांच स्टेट होती है उन पांच स्टेट में कौन कौन सी स्टेट्स हैं सबसे पहली सॉलिड दूसरी लिक्विड तीसरी गैस चौथी प्लाज्मा पांचवी बीईसी बॉस आइंस्टीन कन्नसेट तो इनको हम एक एक करके बहुत आराम से पढ़ेंगे डोंट वेरी अबाउट दिस आप नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ साथ और वन गो में पूरे लेक्चर को देखो ऐसा नहीं कि हम वन शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो हमने बीच में लैफ कर दिया ठीक है यानी कि आपको पूरा चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे मैं आपका रिविजन करवा रही हूँ और इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी यानी कि फास्ट ट्रैक सीरीज़ में आपके पास जितनी भी वीडियोस आती हैं आपको उन सारी वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहना है और मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी जो वीडियो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए है ना अदर स्टूडेंट्स भी उसको देख पाएं शेयर कर दो इस वीडियो को और जब आप लाइक करते हो ना तो मुझे भी अच्छा फील होता है यार मैं भी सोचती हूँ कि चलो बच्चों के लिए और कुछ अच्छा कुछ नया लेकर आते हैं है ना तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस को यानी कि सबसे पहले हम इन्हीं तीन स्टेट्स पर बातें करेंगे और उसके बाद प्लाज्मा और बीसी को भी समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो के पार्टिकल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं सॉलिड होते हैं सॉलिड का तो नाम ही सॉलिड है यानी कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न एक फिक्स अरेंजमेंट बनाकर रखते हैं तभी तो उसका शेप फिक्स होता है उसके बाद अगर मैं लिक्विड्स के बारे में बात करूँ तो लिक्विड्स का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता यानी कि आप उसको जिस भी कंटेनर में रखो वो उसी का शेप ले लेते हैं जैसे अभी हमने यहाँ पे लिक्विड को ग्लास में रखा हुआ है तो उसने ग्लास का शेप ले लिया राइट यहाँ पर फ्यूम्स निकल रही है, है ना आपने चाय का कप रखा है यहाँ पे और गर्म गर्म चाय में से वेपर निकल रही है तो वो वेपर भी क्या है गैसियस सब्सटेंस है, है। राइट तो चलो अब इन स्टेट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कौन कौन मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं फटाफट से मुझे आंसर करो कि हाँ मैम हम आपके साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हमें पढ़ने में ठीक है तो हमारा टॉपिक क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ये जो टॉपिक है ये आपके स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली आता है डेफिनेटली आता है यहाँ पे आपसे कोई भी प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें के सॉलिड्स की प्रॉपर्टी बताओ या फिर लिक्विड्स की प्रॉपर्टी बताओ या फिर डिफरेंस करके आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में जो भी हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वन गो में वन शॉट में हम पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं स्कूल एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलरली स्कूल एग्जाम्स के लिए क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में ये सारे चैप्टर्स आपको इतनी डिटेल में थोड़ा नहीं पढ़ाया जाता है मुझे पता है तो आपको क्या करना है चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है बहुत ध्यान से नोट्स बनाने हैं और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है ठीक है चलो पढ़ते हैं इसको तो जब आप ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन से आ जाएगी वाओ क्या लेक्चर पढ़ाया मैम ने मजा आ गया मुझे तो आज ठीक है तो इससे क्या होगा आपके जो स्कूल एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड solid, सॉलिड में फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारे पास रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस क्या है रिजिडिटी का मतलब रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस कठोर ठीक है ओके okay. तो रिजिडिटी का मतलब है हार्डनेस अब अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स तो वैसे ही सॉलिड solid होते हैं सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमेशा मिलजुल कर रहते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं यानी कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल है वो डिसिप्लिन में रहते हैं डिसिप्लिन बोले तो एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं जैसे कि अगर मैं बात मैं यहाँ पे एमोर्फा सॉलिड्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि एमोरफा सॉलिड्स स्यूडो सॉलिड्स होते हैं वो मैंने आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आप मेरा डू यू नो सीरीज का शॉर्ट देख सकते हो उसके लिए ठीक है मैं यहाँ पे बात कर करी हूँ ऐसे सॉलिड्स की जो कि फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं जिनको हम सॉलिड्स कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम कोई भी एक पीस ले, ले लेते हैं एल्यूमिनियम का पीस ले लेते हैं ठीक है लेट सपोज कि ये एल्यूमिनियम का कोई पीस है और इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज इस तरीके से इस अरेंजमेंट में रखे हुए ठीक है थीके? तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं एक फिक्स पैटर्न बना रहे हैं फिक्स अरेंजमेंट में रखे हुए हैं राइट तो सॉलिड जब एक फिक्स पैटर्न में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक अरेंज होते जाएंगे पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली वो कैसे होंगे रिजिड होंगे कैसे होंगे रिजिड यानी कि कठोर होंगे और साथ ही उनका जो वॉल्यूम है वो भी तो डेफिनेट होगा क्यों होगा वॉल्यूम डेफिनेट क्योंकि शेप डेफिनेट है शेप डेफिनेट है तो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाय करेंगे है ना उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है काइनेटिक एनर्जी अब अभी हमने समझा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ही नहीं है स्पेस ही नहीं है तो वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो उनको इतनी स्पेस ही नहीं मिलेगी कि वो मूव कर पाए है ना तो इसलिए जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत कम होती है ठीक है वेरी लो क्लियर है अब हम बात कर लेते हैं बेटा लिक्विड्स के बारे में लिक्विड्स लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बह जाते हैं लिक्विड्स फ्लो करते हैं लिक्विड्स क्या होते हैं फ्लूड होते हैं इसलिए वो रिजिड नहीं हो सकते ठीक है टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर यानी कि जिस भी कंटेनर में आप उसको रखोगे वो उसी का शेप ले लेंगे जैसे कि अगर आपने किसी सिलेंडर में आ, किसी लिक्विड को रखा है तो वो उसी का शेप ले लेगा राइट आपने किसी टम्बलर में रखा है तो वो उसका शेप ले लेगा ठीक है यानी कि लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी का शेप ले लेंगे अब क्योंकि यहाँ पे आप जिस भी शेप में रख जिस भी कंटेनर में रख रहे हो ये उसी का शेप ले रहे हैं तो क्या यहाँ पे उसका इफेक्ट कुछ वॉल्यूम पे भी पड़ेगा क्या नहीं वॉल्यूम तो वो उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे यानी कि अगर आपने एक लीटर वाटर लिया है तो वो एक लीटर ही रहेगा क्या चाहे आप उसको किसी भी कंटेनर में रख दो है ना यानी कि उसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेफिनेट वॉल्यूम आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स में थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े से एक्टिव होते हैं मूव करते रहते हैं है ना तो यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कैसी है ज्यादा है किसके इसके कंपेरिजन में सॉलिड्स के कंपेरिजन में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं गैसेस आर नॉट एट ऑल रिजिड गैसेस तो रिजिड हो ही नहीं सकती क्योंकि गैसेस क्या हैं गैसेस तो फ्रीली मूव करती हैं गैसेस के पार्टिकल्स तो आजाद हैं बिल्कुल आजादी से जीते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं गैसेस के पार्टिकल्स गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर गैसेस को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे ये भी उसी का शेप ले लेंगे ठीक है दे डू नॉट होता क्योंकि अगर मान लो आपने कोई कंटेनर लिया है ओपन कंटेनर आपने लिया है और उसमें आपने किसी गैस को रखा है ठीक है थोड़ी देर बाद क्या होगा जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे या एयर के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो गैस उस एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमिक्स होना शुरू कर देगी और इसमें से रिलीज होना शुरू कर देगी राइट तो क्या उसका शेप फिक्स, फिक्स हो सकता है नहीं हो सकता क्या उसका वॉल्यूम फिक्स हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं Obviously, अगर फ्रीली मूव करेंगे तो कहीं भी आ जा सकते हैं ना और अगर कहीं भी आ जा सकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी ज्यादा होगी सो गैसेज है और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है अब हम बाकी की बची हुई प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली सॉलिड्स को तो कोई कंप्रेस कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली आप उन्हें आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड्स पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे टूट जाएंगे है ना लिक्विड्स की बात करते हैं दे कैन नॉट कम इसे भी आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते Overall, आप ये कह सकते हो कि आप नहीं कर सकते ठीक है? को आप कर सकते हो क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते इसलिए आप उनको प्रेशर लगा के क्लोज लेके आ सकते हो और जब आप प्रेशर लगाओगे तो उसकी स्टेट भी चेंज होगी ठीक है अब आप मुझे कमेंट में बताओ किस किस को यह पता है कि गैसेस को कैसे कंप्रेस किया जाता है अच्छा आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया होगा कि गैसेस को हम हाई प्रेशर पे ही कंप्रेस करेंगे लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा ये कम ये आप मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से बताओ कि गैसेस को कंप्रेस करने के लिए हमें हाई प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर रखना चाहिए या फिर हाई प्रेशर के साथ लो टेम्परेचर रखना चाहिए ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं I hope आप सबको मजा आ रहा होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लुइडिटी फ्लुडिटी का मतलब बहना तो कौन बहता है Solids तो 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 नहीं नहीं बह सकते, क्योंकि solid तो कोई है, 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 है? वो तो fixed pattern में रखता रखता ठीक लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्लो करते हैं और गैसेस के पार्टिकल्स और ज्यादा इजीली फ्लो करते हैं रैंडम मोशन करते हैं जिस मोशन को हम कहते हैं या फिर ब्राउनियन मोशन किसी भी डायरेक्शन में आ जा सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है ठीक है उसके बाद है डेंसिटी डेंसिटी चलो अब मुझे ये बताओ कि का मतलब किस, किस को पता है और कौन कौन समझता है यहाँ पे कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा क्यों है और गैसेस की डेंसिटी कम क्यों है चलो बताओ फटाफट से बताओ आपने सुना होगा कि जब भी आपको दादी या नानी कहानी सुनाया करती थी तो बोलती थी एक बड़ा सा घना जंगल था उस घने जंगल में शेर रहता था बोलती थी ना है ना तो वो जो बो, बोला उन्होंने कि घना जंगल था तो घना जंगल में क्या था बेटा पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा थे ना है ना यानी कि एक छोटे से एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज थे तभी तो आप उसको क्या बोल रहे हो डेंस बोल रहे हो कि नहीं है ना तभी आप उसको क्या बोल रहे हो घना जंगल बोल रहे हो क्या बोल रहे हो फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे रहे हैं हैं हम ठीक है तो का मतलब है कि एक छोटे से पर्टिकुलर स्पेस में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होना और सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है

है ना सॉरी सॉलिड्स में डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड्स में कम होती है ठीक है क्योंकि ये फ्री होते हैं थोड़ा से ठीक है तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते इसलिए उनका फिक्स शेप है फिक्स पैटर्न बनाते हैं वो और डेंसिटी भी ज्यादा है लिक्विड्स की डेंसिटी थोड़ी कम है सॉलिड से और गैसेस में जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है दे हैव वेरी लो डेंसिटी ओके इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डिफ्यूजन रेट क्या सॉलिड्स में डिफ्यूजन इजीली हो पाएगा नहीं नहीं हो पाएगा डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो सॉलिड्स में डिफ्यूजन रेट बहुत कम होती है क्योंकि मान लीजिए आपके पास सैंड पार्टिकल्स है रेत के पार्टिकल्स हैं और एक तरफ आपके पास शुगर पार्टिकल्स है दोनों को मिक्स कर दो तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे क्या वो डिफ्यूज हो जाएंगे डिफ्यूज होने का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाना उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन तो सॉलिड्स डिफ्यूज नहीं करते बहुत कम ना के बराबर डिफ्यूजन होता है इनमें एंड इन, इन लिक्विड्स डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड्स लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूजन होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है सबसे तेज़ी से जो डिफ्यूज होती हैं वो गैसेज ही डिफ्यूज़ होती है, है। यानी कि ये बहुत फास्ट डिफ्यूजन करती है चलो तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्लियर है यही की यही प्रॉपर्टीज अगर आप लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस लिखो तो इसके लिए आपको या तो तीन या तो पांच मार्क्स का भी आ सकता है मे बी बट मार्क्स का तो आता है ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्लाज्मा अब प्लाज्मा स्टेट कैसे बनी प्लाज्मा क्या है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ठीक है इट हैज वेरी हाई कार्नेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं यानी कि सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं यानी कि जब उसमें से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पास किया जाता है या हाई वोल्टेज पास किया जाता है तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं और ग्लो शो करते हैं जैसे कि आप एक आ, क्या बोल सकते हैं नेचुरल एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे कि सन और स्टार सन और स्टार जो हैं वो नेचुरली प्लाज्मा को शो करते हैं सन और स्टार किसके बने होते हैं सन स्टार बने होते हैं हीलियम के जो कि ग्लो शो कर रहा है लाइट दे रहा है हमें सन भी एक टाइप का स्टार होता है ठीक है उसके बाद है फ्लोरोसेंट ट्यूब और प्लाज्मा स्क्रीन इस तरीके की जो चीजें होती है इसमें किसी गैस को आयनाइज किया जाता है और फिर वो ग्लो शो करती है जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ठीक है तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है टेम्परेचर हाई रहता है सुपर एनर्जेटिक रहता है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है चलो अब हम बात करते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की तो आप सोच रहे कि, कि मैम ये प्रॉपर्टी किसने बनाई है तो ये प्रॉपर्टी बनाई है बेटा सत्येंद्र बॉस ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा कि नहीं कुछ तो ऐसा है जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जैसा एग्जिस्ट करता है ओके okay, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को उन्होंने क्या नाम दिया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट इसी उन दोनों के नाम पर ही इसको रखा गया और ये क्या होती है फिफ्थ स्टेट होती है मैटर की मैटर की पांचवी स्टेट होती है ये एंड वेरी लो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा कम होती है सुपर अन होते हैं एंड सुपर अनएक्साइटेड होते हैं पार्टिकल मतलब यहाँ से वहां मूव भी नहीं करता हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे कि बॉस आइंस्टीन कन्से अब ये जो स्टेट है ये फॉर्म कैसे होती है बी ई सी फॉर्म बाय कूलिंग कूलिंग अ वेरी लो डेंसिटी गैस ठीक है कूलिंग अ गैस ऑफ लो डेंसिटी

किसी ग्र गैस को कूल कर देते हो तो वो क्या बन जाती है बीईसी बन जाती है यानी कि उसमें जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ वहां दूर दूर रखे होंगे और गलती से ही उसमें कोई वाइब्रेशन होगा क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके होंगे ठीक है तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है सोडियम गैस एंड रुबीडियम गैस बीईसी के एग्जाम्पल्स हैं तो प्लाज्मा और बी को हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बस हमें इसको समझना था तो हमने समझ लिया ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इंटरमिकसिंग ऑफ वन सबस्टेंस टू अनादर सब्सटेंस बाय मूवमेंट ऑफ बायमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसे ही हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं इंटरमेक्सिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन इसी को हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक हमने कप लिया है जिसमें हमने पानी को लिया है और उसमें हम टी बैग को डिप कर रहे हैं तो जब हमने टी बैग को थोड़ी देर उसमें छोड़ दिया डिप कर दिया तो क्या हुआ सारा स्टेन इसका इसमें आ गया यानी कि टी बैग के जो पार्टिकल्स थे टी के जो पार्टिकल्स थे उसका सारा स्टेन किसमें आ गया सारा कलर किसमें आ गया उस ट्रांसपेरेंट वॉटर में आ गया यानी कि वो इंटरमिक्स हो गया वॉटर के साथ ठीक है आप यहाँ पे एग्जाम्पल के का भी ले सकते हो एग्जाम्पल में आप यहां पे ये यह भी लिख सकते हो कि रिजोल्यूशन ऑफ के एम एन फोर इन वाटर जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ठीक है और वो हमने टाइनी पार्टिकल्स के लिए पढ़ा था लेकिन यहाँ पे भी आप वो एग्जाम्पल यूज कर सकते हो ठीक है और क्या क्या, -क्या एग्जाम्पल्स होते हैं डिफ्यूजन के और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जब मम्मा किचन में गरम-गरम खाना बना रही होती है और आपकी टेबल पे ऐसे गरम-गरम खाना ला के रख देती है ठीक है जिसमें दाल भी है चावल भी है सैलेड भी है ठीक है रोटी भी है तो कितनी फ्रेश फ्रेश कितनी अच्छी स्मेल आती है उस खाने में से है ना तो वो जो मैटर है वो क्या है खाना खाना क्या है मैटर है उसकी स्मेल आप तक कैसे पहुंच रही है एयर के थ्रू पहुंच रही है है ना? तो ये भी क्या है डिफ्यूजन है, एयर की वजह से हो पा रहा है, है। परफ्यूम के पार्टिकल्स यहां वहां ऐसे स्प्रेड हो गए पूरे ठीक है और पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल गई तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का ठीक है जनरली आप करते हो ना ऐसे स्प्रे करती हो तो कितनी ज्यादा स्मेल आ जाती है एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आ जाती है या नहीं करता है इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑफ मैटर तो यहाँ पे हम इंटर कन्वर्जन सीख रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सॉलिड है हमारे पास लिक्विड है और गैस है ठीक है सॉलिड्स जो होते हैं वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाते हैं लिक्विड्स जो होते हैं वो इवेपरेट होकर, होकर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो गैसेस होती हैं वो डिपोजिशन के थ्रू सॉलिड्स में बदल जाती है अब आप बोलोगे मैम समझ में नहीं आया थोड़ा सा और एनर्जी एनर्जी से इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैम ठीक है तो चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे हमने क्या किया है सॉलिड को हीट दी है ठीक है हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को फोकस कर रहे हैं अभी ठीक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी हम पढ़ेंगे आगे ठीक है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हमने एक कंटेनर लिया और उसमें हमने छोटे छोटे से आइस क्यूब्स को रखा इस तरीके से तीन चार आइस क्यूब्स हमने रख दिए यहाँ पे और अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे क्या होगा सराउंडिंग की जो हीट है वो उसको मिलेगी है ना और वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा यानी कि पानी जो है वो ऐसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा जो आइस के पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर क्या होगा वाइब्रेशन बढ़ेगा वाइब्रेशन बढ़ेगा तो जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे किसमें में, कि पार्टिकल्स में क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी ठीक है अब उसके बाद अगर आप लिक्विड को गर्म करते हो यानी कि यहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से वो इवेपरेट हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब आप क्या करो कि लिक्विड को कन्वर्ट करो सॉलिड में ठीक है लिक्विड को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको उसको क्या करना पड़ेगा फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ठीक है तो टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी यहाँ पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम कम हो हो जाएगी जाएगी पार्टिकल्स की एनर्जी तो वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे लिक्विड से सॉलिड में आ जाएंगे ठीक है क्लियर है यहाँ तक आपको ओके चलो आगे मूव करते हैं अब लेट कि आपको लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, ठीक है तो अब मुझे एग्जाम्पल बताओ कि ऐसा कौन सा सॉरी, आपको कन्वर्ट करना है सॉलिड को गैस में तो अब आप मुझे एग्जाम्पल बताओ कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो कि हीट ऑब्जर्व करके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका एन सीएल अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो वो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से NH4 देखो फोर सीएल गैस में बदल जाएगा है ना आपने अमोनियम क्लोराइड को हीट किया उसने हीट एब्जॉर्ब करी उसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है है ना तो वो किस में कन्वर्ट हो गया गैस में कन्वर्ट हो गया क्लियर अब इसी तरीके से अगर आपको गैस को कन्वर्ट करना हो लिक्विड में है ना तो क्या होगा तो भी आपको टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा डाउन टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और जो भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो सब क्लोज आ जाएंगे क्लोज आके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपको गैस को कन्वर्ट करना हो सॉलिड में फिर कैसे करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने सबलाइम लिया है वही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा और वही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा यानी कि यहाँ पे आपने जो अमोनियम क्लोराइड लिया है अगर आप उसका टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वही वैपरेट हो जाएगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आई होप कि आपको सारे कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कब हमें टेम्परेचर बढ़ाना है कब हमें टेम्परेचर कम करना है ठीक है Chalo. आगे बढ़ते लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन को पढ़ते हैं अब यहाँ पे स्टेट कन्वर्जन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेट एन हीट ऑफोराइजेशन लेट एंड हीट जो होती है ना वो छुपी हुई हीट होती है जिसको हम कहते हैं लेट एंड हीट अब ये पर्टिकुलर हीट क्या होती है इस हीट का काम क्या होता है कि वो सिर्फ स्टेट को चेंज कर रही होती है यानी कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देती और ना ही डिक्रीज होने देती है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है उस टाइम पे और सिर्फ

उस टाइम पे जब स्टेट कन्वर्जन uh, हो रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर कैसा रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सारी जो एनर्जी है वो कहाँ पे लग जाएगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लग जाएगी ठीक है यहाँ पे आपने चॉकलेट ली चॉकलेट को आपने हीट किया और वो मेल्ट हो गई यानी कि यहाँ पे आपने हीट कर दिया इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ मेल्ट हो, हो जाएगी अब नेक्स्ट वेपराइजेशन अब आप मुझे बताओ कि लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए क्या डेफिनेशन होनी चाहिए जैसे कि हमने यहाँ पे फ्यूजन के लिए लिखा है अब आप मुझे वेपराइजेशन के लिए बताओ फटाफट से आंसर करो चलो आई होप आपने सही आंसर लिखा होगा तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट वन किलोग्राम और वन लीटर लीटर बोल लो यार क्या दिक्कत है वन किलोग्राम वन लीटर एक ही बात है ठीक है टू गैस एक लीटर पानी को गैस में बदलने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसी हम क्या कहते हैं बेटा उसे ही हम क्या कहते हैं लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं अमाउंट जितना हमें चाहिए हीट का स्टेट कन्वर्जन करने के लिए उसे ही हम क्या कहते हैं लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं एग्जाम्पल देख लो वाटर है वाटर को आपने हीट किया तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया ठीक है ये वाटर था वाटर लिक्विड था एच कैसा था लिक्विड था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया वेपर में कन्वर्ट हो गया ठीक है, है। में 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 हो हो गया, हो गया, यानी कि ये आपको अच्छे से से समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, effect of pressure. देखो, जिस तरीके हमने पढ़ा, उसी तरीके से हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास एक सिलेंडर है इसमें यहाँ पे पिस्टल लगा हुआ है और गैस रखी हुई है ठीक है पिस्टल से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे अपने बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको बढ़ाएंगे है ना क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और स्पेस कम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो सी गैस का कंप्रेसड नेचुरल गैस ठीक है इसको आप कंप्रेस कर रहे हो यहाँ पे आपने कौन सी गैस ली है सीएनजी ली है लेट्स सपोज और आप उसको कंप्रेस कर रहे हो और एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा सीएनजी जो है वो लिक्विड में मिल जाए, क्लियर है यानी कि जो हम कंप्रेशन यहाँ पे करते हैं वो कैसे करते हैं गैसस का हाई टेंपरेचर नहीं 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 हाई टेंपरेचर पे नहीं होता कभी भी जो गैस का कन्वर्जन है लिक्विड में वो हाई टेम्परेचर पे नहीं करोगे आप बल्कि कैसे करोगे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे करोगे ठीक है ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है कि जब आप गैसेस का कन्वर्जन करोगे लिक्विड्स में तब टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए हाई या लो तो लो रहना चाहिए और प्रेशर कैसा रहना चाहिए प्रेशर हाई रहना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है सब्लिमेशन तो सब्लिमेशन में अभी हमने सीखा ही था स्टेट कन्वर्जन में कि सॉलिड को अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें गैस में तो उसे हम क्या कहेंगे सब्लिमेशन कहेंगे जैसे एग्जांपल में मैंने आपको एन फोर सी का एग्जाम्पल लिया था ठीक है दिया था अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें अगर आप मिक्स कर दो एन को एन एस सी एल कॉमन सॉल्ट होता है ठीक है इसको इसमें मिक्स कर दो मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे हीट कर दो तो हीट करने पर जो चाइना डिश है उसमें कॉमन सॉल्ट रह जाएगा और क्या इवेपरेट हो जाएगा क्या इवेपरेट हो जाएगा बताओ यहाँ पे इवेपरेट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड ठीक है और एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही वाला एग्जाम्पल लो आप कैम्फर ले सकते हो ठीक है आप आयोडीन ले सकते हो और आप नेफ्थलीन बॉल्स भी ले सकते हो नेफ्थलीन बॉल्स तो हम रखते ना कितनी बार कपड़ों के बीच में रखते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना आए कपड़ों में है ना और जब हम Uh, किसी पुराने से कंटेनर को खोलते हैं बक्से को खोलते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है वो स्मेल क्यों आती है क्योंकि वहाँ पे जो वाइट कलर की नेपथलिन बॉल्स आपने रखी थी ना वो सब इवेपरेट हो गई वहाँ पे आपको बॉल्स तो मिलती नहीं है सिर्फ स्मेल आपको मिलती है है ना जब आप उसको सालों बाद खोलते हो तब तो नैप्थलिन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो भी एक सबलाइम है सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में जब आप हीट करोगे तब और कूल cool करोगे तब वापस वो सॉलिड में आ जाएगा गैस से ठीक है अब हम इवेपरेशन और बॉइलिंग को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे ठीक है मैंने नहीं चाहती कि इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो हम दोनों टॉपिक साथ में पढ़ेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये इवेपरेशन का है और ये बॉइलिंग का है तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्यारा सा ओशन है जिसमें ब्लू ब्लू पानी है ठीक है और ब्लू पानी तो पता है ना आपको क्यों होता है फिजिक्स यहाँ पे लग रही है ठीक है और सन क्या कर रहा है इसको हीट दे रहा है सन इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो ओशन की सरफेस पे जो पार्टिकल्स है बेटा ये सब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं इस सन से हीट ले रहे हैं है ना हीट ऑब्जर्व करके ईवेपरेट हो रहे हैं यानी कि अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो कि, तो क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सरफेस पर ही ये चीज हो पा रही है है ना क्योंकि पे सिर्फ सरफेस पर से ही जो पार्टिकल्स है वो हीट करके और हो रहे इसलिए ये कैसी फेनोमेना है ये सरफेस फेनोमेना है और क्योंकि बॉयलिंग एक आर्टिफिशियल फेनोमेना है इसलिए वो कैसी फेनोमेना है बर्क फेनोमेना है यानी कि यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा तभी ये इवेपरेट होगा और इवेपरेट होके

यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा ठीक है तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये 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 नेचुरली हो हो रहा रहा है 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 तो स्लो प्रोसेस प्रोसेस और फास्ट क्योंकि आर्टिफिशियली ठीक हम कर रहे हैं नेक्स्ट इन दिस प्रोसेस एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग यानी कि ये क्या कर रहा है अपने आसपास के एनवायरमेंट से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है जबकि ये क्या कर रहा है हमने अलग से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगाया है तब ये बॉयल हो रहा है, ठीक okay. तो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ओके तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन अब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं सबसे पहले तो हम इफेक्ट्स इफेक्ट्स लिख लेते हैं तो पहला है हमारा टेम्परेचर ठीक है पहला इफेक्ट तो ये है दूसरा है दूसरा है सरफेस एरिया सरफेस एरिया ठीक है तीसरा है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर का कंटेंट एनवायरमेंट में ठीक है और चौथा है यहाँ पे हमारे पास विंड स्पीड ठीक है क्लियर अब देखो टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा टेम्परेचर को बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी है ना तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी और सॉरी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा ठीक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा आर आर ओ ऑफ ई का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा सरफेस एरिया बढ़ा दो तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो सरफेस फेनोमेना बोल रहे हो ना आप को तो अगर सरफेस एरिया ही बढ़ा दोगे तो ज्यादा पार्टिकल्स जो सरफेस पर होंगे वो इवेपरेट हो जाएंगे एनवायरमेंट की हीट को एब्सॉर्व करके है ना तो यहां पे भी क्या होगा रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगा अब ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब कि एनवायरमेंट में वाटर कंटेंट पहले से ही प्रेजेंट है तो पहले से प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रेजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके रेट ऑफ इवेपरेशन के मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दी आपने तो रेट ऑफ इवेपरेशन नहीं हो पाएगा रेट ऑफ इवेपरेशन कम हो जाएगा ठीक है क्योंकि एनवायरमेंट में पहले से ही वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है या पहले से ही लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो फिर आप दूसरे लिक्विड को आसानी से इवेपरेट नहीं कर पाओगे ठीक है जो एनवायरमेंट में सारी स्पेस है वो तो लिक्विड के पार्टिकल्स में पहले ही ऑब्जर्व कर ली है 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 ना पहले से ही वो स्पेस ले ली है, तो इसलिए रेट ऑफ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जब क्लाइमेट कैसा होगा ह्यूमिड होगा ठीक है विंड स्पीड बढ़ाने से विंड स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे तो वो तेजी से वेपर को उड़ा के ले जाएगी है ना तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर भी इंक्रीज होगा ठीक है तो ये थे कुछ इफेक्ट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए आई होप आपको सॉरी रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए तो आई होप आपको इवेपोरेशन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है चलो मुझे कॉमेंट में आंसर करो कि मैम ये होती है टेम्परेचर की यूनिट तो आई होप सबने सही आंसर कर दिया होगा क्योंकि बहुत ईजी है है ना तो टेम्परेचर की यूनिट होती है बेटा कैलविन केल्विन जो होती है ना वो एस आई यूनिट होती है टेम्परेचर की ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है कैलविन में तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हो और अगर कैलविन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो कैलविन में से 273 माइनस कर देते हो तो सेल्सियस में आ जाता है एग्जांपल ले लो यहाँ पे ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ 27 डिग्री सेल्सियस तो अगर मुझे इसको कैलविन में कन्वर्ट करना है तो मैं 27 में क्या ऐड कर दूंगी 273 ऐड कर दूंगी ठीक है 273 जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया कितना 300 डिग्री सेल्सियस सॉरी 300 हंड्रेड क्योंकि हमें कैलविन को कन्वर्ट करना था डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना था किसमें केल्विन में ठीक है तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस था उसमें 273 जोड़ा तो आपके पास 300 केल्विन आ गया इसका उल्टा कर लो यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए 300 केल्विन था माइनस कर दो 273 को तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ठीक है ऐड कर दोगे 273 को डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में आ जाएगा केल्विन है तो 273 दो तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा चलो अब हम आगे बात करते हैं फारेनहाइट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो भी एक अच्छा टॉपिक है ठीक है तो अगर आपको सेल्सियस में सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो किस में फारेनहाइट में या फिर कन्वर्ट करना हो फारेनहाइट को सेल्सियस में तो क्या फार्मूला लगाओगे अगर आपको सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है जैसे कि अगर आपके पास फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आपके पास है अब आप उसको फॉरनाइट में कन्वर्ट करो फॉर्मूला लगाओ नाइन बाई फाइव इन टू डिग्री सेल्सियस मतलब फिफ्टी प्लस थर्टी टू कर दो ठीक है यहाँ पे ये कट हो जाएगा टेन आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया नाइन्टी प्लस थर्टी टू नाइनटी में थर्टी टू जोड़ो फटाफट जोड़ो फटाफट फटा फट, कितना आया 90 प्लस 32, देखो 90 और 30, कितना हो गया 120, 120 में 2 जोड़ो कितना आ आ आ गया 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 ठीक है सॉरी क्या आ गया सेल्सियस तो हमारे पास ऑलरेडी था ना ठीक है तो फॉरन आ गया डिग्री फॉरन आ गया ठीक है अब सेल्सियस है अगर सेल्सियस है तब तो आप फॉर में कन्वर्ट कर लोगे उसको लेकिन अगर आपके पास फॉरन आइड है तो फिर कैसे कन्वर्ट करोगे तो बस इसका उल्टा कर लो अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो फाइव बाई नाइन कर दो और फॉरन आइड right में से माइनस कर दो थर्टी टू को तो फॉर आइट में हम यही वैल्यू ले, ले लेते हैं वन ट्वेंटी टू और उसमें से माइनस कर दो थर्टी टू को तो सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा फिफ्टी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ठीक है अब एक बच्चे ने मुझे क्लास में पूछा जब मैं ये पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा कि मैम डिग्री सेल्सियस को फॉरन में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन आप मुझे ये बताओ कि फॉरन को कैलवन में कैसे कन्वर्ट करूँ तो बच्चों बहुत इजी है अगर आप फॉरन को कैलवन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो फॉरन को हमने सेल्सियस में तो कन्वर्ट कर ही लिया अब

आगे बढ़ते हैं हैं तो आप कर लेते हैं। पूरा चैप्टर मैंने आपको वन गो में बहुत अच्छे से समझा दिया अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं डॉग स्ट्रेच आउट दियर टंग जनरली इन समर्स गर्मियों के दिनों में क्या होता है जो डॉग्स होते हैं अपनी टंग को स्ट्रेच आउट करते हैं बाहर की तरफ रखते हैं क्यों करते हैं वो ऐसा रीज़न पूछा जा रहा है आपसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं इवेपरेशन लीड स्कूलिंग और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ऑफ़ फ्रीजिंग ऑफ सलाइवा या फिर बॉडी टेम्परेचर उनका हाई होता है इस वजह से वो ऐसा करते हैं समर्स में क्या रीज़न है देखो जब वो टंग को बाहर निकाल के रखते हैं तो क्या होता है इवेपरेशन लीड स्कूलिंग यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं इवेपरेट होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है उनको ठंडक पहुंचाता है इसलिए डॉग्स ऐसा करते हैं तो पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आई थिंक कि आप क्वेश्चन स्टार्टिंग okay, in तो में भी किया था चलो अभी कर लेते हैं एक बार और ठीक है वाटर एयर शुगर ऑक्सीजन वाटर शुगर सॉल्ट एयर फ्रूट जूस शुगर ऑयल और एयर तो बताओ किसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेंगी ऑब्वियसली सॉलिड्स में ज्यादा लगेंगी है ना हमने क्या सीखा था कि गैसेस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी फिर लिक्विड्स में और फिर सॉलिड्स में तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो गैस है तो ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे और H2O लिक्विड है तो H2O आ जाएगा यहाँ पे और शुगर क्या है शुगर सॉलिड है तो शुगर आ जाएगा यहाँ पे तो यही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बाकी के ऑप्शंस गलत हैं तो आई होप आपको वन शॉट में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सारे नोट्स मेरे साथ साथ रिवाइज किए होंगे प्रिपेयर किए होंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक कर दीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को चैनल का नाम है मोशन फाउंडेशन ठीक है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच